नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इसी महीने बिहार में पंचायत चुनाव का होगा ऐलान, आयोग ने सभी डीएम को दिया यह टास्क। बिहार में बम्पर बहाली, जेई सहित 9,670 पदों के लिए निकली वैकेंसी। जातीय जनगणना पर बीजेपी का विरोध तेज करेंगे नीतीश, सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात का ऐलान। अब दाखिल खारिज के लिए नहीं लगाना होगा डीसीएलआर का चक्कर, इस प्रक्रिया को अपनाकर आसानी से करा सकते हैं सुधार। पीएमसीएच गांधी मैदान सहित पटना के इन 7 जगहों पर बनेगा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, 1958 करोड़ का टेंडर जारी। 15 अगस्त से पहले बिहार में बनेगी आरजेडी की सरकार, जानिए तेजस्वी यादव ने क्या दिया जवाब। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने चरणबद्ध तरीके से चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाया है। शनिवार को भी आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। आयोग के सूत्रों की माने तो इसी अगस्त महीने में बिहार के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी। पंचायत चुनाव कोरोना की दूसरी लहर के कारण समय पर नहीं हो पाया था और अब आयोग चाहता है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच हालात बिगड़ने से पहले बिहार में इसे पूरा कर लिया जाए। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान अलग अलग राज्यों से लाए गए ईवीएम में बारकोड लगाने और उसे स्कैन कर स्टॉक एंट्री करने का निर्देश सभी डीएम को दिया गया है। आयोग ने कहा है कि सभी जिलों में यह काम 3 दिन के अंदर पूरा कर लिया जाए। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग पूरी हो चुकी है, इसके बाद इसे अगर स्टॉक एंट्री के जरिए लॉक किया जाता है तो यह चुनाव की घोषणा के पहले महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। इस प्रक्रिया के बाद अगर चुनाव की घोषणा होती है तो नामांकन के बाद उम्मीदवारों के नाम तय होते ही ईवीएम में उनका डाटा फीड किया जाएगा। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने बम्पर वैकेंसी निकाली है। ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए जूनियर इंजीनियर सहित अन्य पदों पर बहाली की तैयारी चल रही है। कैबिनेट से मंजूरी लेने के बाद बहाली की अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य विभाग में कुल 9,570 पदों पर बहाली होनी है। नियमित बहाली पर सरकार को सालाना 300 करोड़ से अधिक का खर्च आएगा। विभागीय अफसरों के अनुसार विभाग के अधीन 1,070 सेक्शन है। हर सेक्शन में एक जूनियर इंजीनियर, एक सर्वेयर जो ITR उत्तीर्ण होंगे, एक वर्क सरकार लोअर डिवीजन क्लर्क और एक कार्यालय अनुसेवक की बहाली होगी। इसके अनुसार बिहार में 5,350 कर्मियों की जरूरत होगी। इन पदों पर मात्र 1,070 पद ही सृजित हैं। इसे देखते हुए विभाग ने 4,280 पद सृजित करने का फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वे जातीय जनगणना के मामले में बीजेपी के खिलाफ तेवर और कड़े करेंगे। नीतीश ने कहा है कि वे सोमवार को ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर समय मांगने जा रहे हैं। नीतीश बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं ताकि उन पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव डाला जा सके। नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना पर उनकी पार्टी का स्टैंड साफ है। शनिवार को JDU के राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर ये मांग किया था कि केंद्र सरकार जाति के आधार पर जनगणना कराए। नीतीश ने कहा है कि उनकी पहल पर बिहार विधानसभा ने 2 दफे सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कैबिनेट मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने दाखिल खारिज मामले में डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म ऑफिसर की कोर्ट को ऑनलाइन कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति DCLR की कोर्ट जाए बिना ही अपने केस की जानकारी ले सकेगा। यही नहीं, केस की सुनवाई की तारीख में गवाहों की मौजूदगी, किस तारीख पर भूमि सुधार उप समाहर्ता ने क्या आदेश, सुनवाई होने के बाद पारित अंतिम आदेश की कॉपी भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी। मंत्री रामसूरत राय रविवार को दाखिल खारिज अपील के बाद मैनेजमेंट सिस्टम सेवा की बिहार जनता को समर्पित करने के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा है कि म्यूटेशन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मियों की जिम्मेदारी और समय तक को तय कर दिया गया है। हर महीने म्यूटेशन में लगे कर्मियों की रैंकिंग भी विभाग द्वारा जारी की जा रही है। इसी तरह DCLR ऑफिस और उनकी अदालत को भी जिम्मेदार बनाने की जरूरत थी। अब भूमि सुधार उपसमाहर्ता और भी सजग होकर काम करेंगे, निर्णयों में पारदर्शिता अधिक बरतेंगे। DCLR कोर्ट में केस की सुनवाई पूरी होने का समय भी कम होगा।
बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेन चलाने की प्रक्रिया जोर पकड़ ली है। बताया जा रहा है कि शहर के कॉरिडोर 2 के अंडर आने वाले स्टेशनों को अंडरग्राउंड किया जाएगा, जिसके लिए करीब 1958 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। कॉरिडोर 2 के तहत गांधी मैदान, PMCH सहित 7 स्टेशन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कॉरिडोर 1 में दानापुर, मीठापुर, खेमनीचक होगा। इसमें 7.393 किलोमीटर उपरिगामी यानी कि एलिवेटेड होगा और भूमि 10.54 किलोमीटर होगा। इस प्रकार कुल 17.933 किलोमीटर में कॉरिडोर 1 बनेगा। वहीं कॉरिडोर 2 में पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन, गांधी मैदान, पाटलिपुत्र, ISBT शामिल है। बिहार विधानसभा का सत्र के दौरान राजद विधायक भाई वीरेंद्र के 15 अगस्त से पहले तेजस्वी यादव CM बनेंगे वाले बयान पर जहां पटना में सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं अब तेजस्वी यादव ने खुद इस पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब नेताओं की इच्छा है, उच्च स्तर पर इस तरह की कोई पहल नहीं हो रही है। उन्होंने आगे कहा है कि लेकिन दूसरे लोगों को बताना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि नेताओं की कामना रहती है, लेकिन हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा, यह चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसीलिए कल क्या होगा इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार चुनाव में जनता का समर्थन गठबंधन को मिला है, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला NDA के पक्ष में रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में हम जनता के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आरा से सामने आ रही है, जहां आरा नगर निगम की मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी बच गई है। मेयर रूबी तिवारी और डिप्टी मेयर पुष्पा कुशवाहा पर लगाया गया अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। अब रूबी तिवारी महापौर और पुष्पा कुशवाहा उप महापौर की कुर्सी पर बनी रहेंगी। मेयर और डिप्टी मेयर के भाग्य का फैसला आज हो गया है। मेयर और डिप्टी मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो आज खारिज हो गया है। हंगामे के आसार को देखते हुए आरा नगर निगम के बाहर मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। और तलब है कि नगर निगम के मेयर रूबी तिवारी और उप मेयर पुष्पा कुशवाहा के विरुद्ध 24 जुलाई को विक्षुब्ध पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसके बाद अविश्वास प्रस्ताव पर बहस एवं मत विभाजन के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई थी। नगर निगम की महापौर के विरुद्ध 17 एवं उप महापौर के विरुद्ध 19 पार्षदों ने अविश्वास प्रकट करते हुए कई तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन पार्षदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव का आज खारिज हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी को लेकर दायर किए गए लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 अगस्त तक जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और वहां मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश S. कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर एक सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि कोर्ट ने राज्य सरकार से जिला एवं अनुमंडल अस्पताल के साथ साथ राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, कार्यरत डॉक्टरों, कर्मचारियों एवं अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार सभी संभव कदम उठा रही है। कोर्ट को बताया गया है कि शहरी क्षेत्र में 73% लोगों का टीकाकरण हो गया है, जबकि ग्रामीण इलाकों में 23% लोगों को ही वैक्सीन दी जा चुकी है। साथ ही कोरोना के खतरे के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। कोर्ट को बताया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए लोगों को दिशा निर्देश देने के साथ ही सभी तरह की जानकारियां दी जा रही है। बिहार में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। उद्योग लगाने के नाम पर बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। बैंक से करीब 48 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद इस पैसे को निजी कार्यों में खर्च कर लिया गया है। बैंक की शिकायत पर अब CBI ने सातिर पर केस दर्ज कर लिया है। CBI इन दिनों बिहार के एक बड़े जालसाजी मामले में कार्रवाई कर रही है। एक कंपनी ने बिहार के बक्सर जिले के नवानगर और नालंदा जिले के राजगीर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के नाम पर बैंक से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया और राशि अपने निजी उपयोग में खर्च कर लिया है। ये कर्ज पंजाब नेशनल बैंक से लिया गया था, जो कुल 47.97 करोड़ रुपए का था।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। आरसीपी सिंह के नेतृत्व में हुई इस मीटिंग में राजनीतिक प्रस्ताव के बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया है। बैठक में मेडिकल शिक्षा में 27% ओबीसी और 10% अगड़ी जाति के गरीबों को आरक्षण देने के केंद्र की मोदी सरकार के निर्णय का स्वागत किया गया है। हालांकि इसके साथ ही जेडीयू नेताओं द्वारा जाति आधारित जनगणना करवाने की केंद्र से मांग भी की है। बताते चले कि इस मसले को लेकर शुक्रवार को बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर जदयू हर मोड़ पर समर्थन करेगा। ओबीसी जातियों के वर्गीकरण के लिए बनाई गई सलोनी कमीशन बना है, उसकी जो भी अनुशंसा है वह भी प्रकाशित होनी चाहिए ताकि सही जगह और सही संख्या में आरक्षण मिल सके। इसके लिए जातिगत जनगणना करवानी चाहिए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।